आपको बता देता हूँ, अगर आपको सीट खोलनी है तो वो कैसे खुलेगी। ये है चाबी, चाबी से आप पहले ये पैनल खोलेंगे। अच्छा, अब ये नीचे वाला तो खुल गया। शुरू में आपको डर लगेगा कि यार इसको कितना खींचना है, तो बेसिकली एक खांचा इधर है, एक खांचा इधर है। तो आप क्या करेंगे, इसको निकाला, पहले हल्का सा इसको ये खींचा, ये आ गया बाहर, और इसको खींचा, ये आ गया बाहर। तो ये देखिए, ये जाता है इसमें, समीर थोड़ा सा पास करना है इसको, इसमें, और ये वाला जाता है इसमें, ये जाता है इसमें, ठीक है। ये आपकी बैटरी हो गई। अब सीट कहाँ से खुलेगी, ये यहाँ भाई साहब जो ये छुपे हुए हैं, इस तार को आप खींचेंगे और ये सीट खुल गई आपकी। अभी इसको ऐसे ही लगा देते हैं। ये सीट खुल गई। ये टूल किट है, लगे हाथों आपको टूल किट दिखा देते हैं कि टूल किट में क्या क्या है। आपको पता होना चाहिए। अरे भाई साहब उड़ो मत। ये आपको सब मिलता है। अभी तक यानी कि किसी ने खोल के दिखाई नहीं। कूड़ा नहीं करेंगे, इसको वापस हम इसी में डाल देंगे। दस बारह की चाबी है ये। ये आपका प्रीलोड एडजस्ट करने के लिए, स्पार्क प्लग खोलने के लिए, पेचकस, हेक्स रेंच, या इसको एलन की भी बोलते हैं। अगर आपका नाम एलन है तो ये आपकी चाबी है। तो इसको बंद कर देते हैं। तो जी साहब, ये आ गई इसकी टूल किट। अबे यार इसको इधर डाला। इसको खींच के रखा, नहीं तो फिर निकल जाएगा। और इसको कर लिया बंद। अब आप कुछ लोग सीट खोल लेते हैं पर उनको सीट लगाने में दिक्कत आती है। आपको देखिए एक बार ना देख लेना चाहिए कि देखिए ये खांचा है, ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा समीर, इस तरफ आ जाओ एक बार, कि आपने ये डाली और गिरने नहीं दिया मैंने, सीट लग गई। अब आप इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको यहां करेंगे, उसके बाद ये आया, महसूस करिए, और थोड़ा सा इसको दबाइए। और ये लग गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इतनी पास आके बोलना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से ट्रेन जा रही है या इंजन जा रहा है उसका। और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।